हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो कहीं मत जाएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं सरोज नगर मार्केट। आज हम घूमने वाले हैं पूरा मार्केट एंड एक्सप्लोर करने वाले हैं कि इस बार के कलेक्शन में क्या क्या कुछ न्यू है मार्केट में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मार्केट की पूरी डिटेल देने वाली हूँ, शॉप नंबर्स और उन चीज़ों के प्राइजेस भी बताने वाली हूँ, जिससे आपको आने से पहले ये पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ से क्या चीज़ कितने प्राइस में मिल रही है। जिससे आप मार्केट में आएंगे तो उससे पहले आप अपना माइंडसेट बना के आ सकते हैं, प्रॉपर एक शॉपिंग प्लान और एक बजट डिसाइड कर सकते हैं कि कहां आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और पसंद आती है तो एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि ये मार्केट जो है मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। सरोज नगर मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप एग्जिट लेंगे, इस मार्केट की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। मार्केट में एंटर करते ही आपको सबसे फर्स्ट फ्रंट में ये वाला स्टॉल मिलेगा, जिस पे इयररिंग्स 50 रुपये की रेंज में थे। कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, और हर बार मैं इस शॉप का कलेक्शन चेक करके ही मार्केट में अंदर जाती हूँ, क्योंकि इससे मुझे एक आइडिया लग जाता है कि ऑलमोस्ट मतलब इसी टाइप के डिज़ाइंस मुझे आगे भी मिलने वाले हैं। और इनका स्टॉल हमेशा ये फिक्स्ड इसी जगह पे होता है। इन सबका रेट 50 रुपये ईच पेयर के अकॉर्डिंग है। आप कोई भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं। कलेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये वाला पेयर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो बाकी इसमें कुछ ये मल्टी कलर के ऑप्शंस भी थे। और अब की बार थोड़े हैवी इयररिंग्स का कलेक्शन इनके पास ज़्यादा था, और ये वाला जो सीप वाला डिज़ाइन है, ये वाला कुछ अभी इस मार्केट में न्यू था। इसमें ये आपको ऐसे बालियां टाइप हैं, इसमें और भी बहुत कुछ है, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। ये कुछ हैवी इयररिंग्स का कलेक्शन था जी, ये भी मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा था, थोड़ा कलर्ड में था। ड्रेस का मैचिंग लेंगे तो अच्छा लगेगा। ये मल्टी कलर वाले ऑप्शंस थे और मिरर वर्क में भी था, तो ये डिज़ाइंस थे। तो इसमें मतलब काफ़ी अच्छा मुझे अभी इस बार का लगा था। इस बार के कलेक्शन में इनके पास में हैवी वाला कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा था, लाइक ऐसे बड़े वाले जो इयररिंग्स होते हैं वो वाले इस बार ज़्यादा थे। तो जो मैं आपको बता रही थी अभी वाइट वाला, कि जो अभी वाइट वाला सीप वाला डिज़ाइन में बता रही थी, उसमें भी इन भैया के पास में काफ़ी सारे पेयर्स थे। उसमें मैं आपको दिखाती हूँ अभी, कुछ एक हैंगिंग टाइप भी था, जैसे ये वाला है और ये वाला जो वाइट वाला है। ये वाला पेयर मुझे अपने लिए बहुत अच्छा लगा था, तो एक मैंने अपने लिए परचेज़ किया। तो ये मुझे लगा था कि ये मुझे शायद सब ड्रेसेस के साथ में जाने वाला है, जब मैं सूट भी डालूं तो उस पर भी, और साड़ी वगैरह पे भी उस टाइप का मुझे ठीक लगेगा उसमें देखने में। ये वाला पेयर जो है मैं बता रही थी सीप वाले में, तो वो राउंड बाली थी और इसमें ये इस टाइप का हैंगिंग वाला डिज़ाइन था, जो मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं, इसका प्राइस भी 50 रुपये था। तो इनकेस आपको अच्छा लगता है तो, और इस टाइप के मल्टी कलर में भी, मीन्स इसके पास काफ़ी अच्छा रेंज होता है, तो मैं हमेशा इन भैया का पहले चेक करती हूँ, और फिर मैं मार्केट में अंदर की चलो कहीं और भी कुछ देखना होता है तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग अपना चेक करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डिज़ाइन इनके पास में सारे ही अच्छे थे, और प्राइस सारों का 50 रुपीज़ था। तो मुझे नहीं लगता कि 50 रुपीज़ कुछ ज़्यादा हैं इतने अच्छे पेयर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने लिए एक दो परचेज़ किए थे, बाकी आप भी कभी भी आते हैं मार्केट तो इस शॉप का कलेक्शन आप ज़रूर चेक करें। तो अब इसी स्टॉल के साइड में ऐसे पटरी पे 350 रुपये में ये जैकेट्स यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ से मुझे एक अपने लिए जैकेट बहुत अच्छा लगा, जो कि ये पिंक कलर वाला है। इवन मैं अभी ये यूज़ भी कर रही हूँ, तो ये पहनने में गर्म भी है और डिज़ाइन भी इसका काफ़ी अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, यही देख के मैंने परचेज़ किया था। बट अभी जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो लग रहा है कि क्वालिटी भी अच्छी है। कोई भी आप जैकेट उठाएंगे यहाँ से, जो भी कलर जिस भी तरीके का आपको अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग, बट प्राइस सबका सेम है, 350 रुपये ईच। तो फ्रेंड्स, ये शॉप नंबर 59 है। जिस शॉप के बाहर में जंपसूट्स का कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ब्राइट कलर के ऑप्शंस थे, जो देखने में तो थे ही अच्छे, ऑब्वियसली पहनने में भी काफ़ी अच्छा लुक देने वाले हैं। इसमें एक ये वाला पैटर्न था, दूसरा ये बटन वाला एक पैटर्न और भी था, और तीसरा एक और डिज़ाइन था इसमें जो कि स्ट्राइप वाले पैटर्न में था। तो तीनों ही डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे थे, प्लस इनमें कलर्स के ऑप्शंस बहुत सारे थे और ब्राइट कलर्स थे, तो बहुत अच्छा लुक देने वाले हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये शॉप नंबर 59 के अंदर में उन्होंने टॉप्स का कलेक्शन रखा हुआ था, जो कि मैं अभी आपको शो करने वाली हूँ। ये नेट वाले फैब्रिक में था, और ये काफ़ी प्यारा पीस मुझे लगा था, जिसमें यहाँ नेक के पास में काफ़ी अच्छा सा ये पैटर्न बन रहा था, और ये फुल स्लीव्स में था, बट बहुत प्यारा लुक था। नेट में ही इनके पास में बहुत सारी वेराइटी थी। एक तो था ये टॉप, जिसमें आपको कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे मिलेंगे। दूसरा, इसी नेट वाले फैब्रिक में थी गाउन्स, जो मैं अभी आपको शो करती हूँ, वो थी इस टाइप की गाउन्स, लाइक इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस मिलेंगे।
ये मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। जो आप ऐसे भी पहनेंगे तो ये गाउन वाला लुक देगा, प्लस आप इसे डिफरेंट स्टाइल से डालेंगे इस स्टाइल से, तो ये आपको एक ऑफ शोल्डर ड्रेस का लुक देगा जो कि पहनने के बाद में बहुत स्मार्ट लगने वाला है। इसी नेट वाले फैब्रिक में एक और स्टाइल का ड्रेस था, वो था ये वाइट वाला, जिसमें आप देखेंगे तो ऊपर में थ्रेड वर्क कुछ था इसमें और नीचे में ये ऐसे ही नेट का डिज़ाइन था, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे पीसेस थे सारे ही। बट ओवरऑल मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि नेट में ही इनके पास में तीन चार स्टाइल के डिफरेंट पैटर्न्स थे। अब इस शॉप का ओवरऑल कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अभी हम लोग देखते हैं, इसके बाद में अभी हम देखेंगे डेनिम की जैकेट्स। ये जैकेट्स का कलेक्शन आप देखिए फ्रेंड्स, 350 रुपये की रेंज में थी ये। 350 रुपये की रेंज में जैकेट्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये आप देखेंगे ऊपर में हुडी में इसमें डिफरेंट पैटर्न्स थे, कुछ में फर वाला था, कुछ में क्लोथ वाले फैब्रिक में भी था इनमें, प्लस कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे थे और पैटर्न भी डिफरेंट था। किसी में स्ट्राइप वाला था, किसी में एक मीन साइड डिज़ाइन था, और ये वाला डिज़ाइन आप देखेंगे तो इसमें पूरा नीचे भी कपड़े वाला था और ऊपर हुडी भी इसमें वो क्लोथ वाला जो होता है वो वाला था। तो ये भी पीस मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा था। सेम के ही बहुत सारे कलर्स और भी अवेलेबल थे जो कि आप चेक कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे इनका टॉप का कलेक्शन, और इनमें ही लेदर की जैकेट्स भी थी यहाँ पे, जो कि प्राइस रेंज इनका मतलब नॉर्मल सा वही 250-350 की रेंज के आसपास का ही था, बट काफ़ी कुछ था इसी एक शॉप पे। तो अभी ये हमने देखा जंपसूट, फिर ये टॉप देखे, अभी ये डेनिम वाला कलेक्शन, अभी इसके बाद में ये आता है ये लेदर वाली जैकेट्स। इसमें भी बहुत सारे कलर्स थे, फिर प्लस ये कपड़े की जो हुडी हैं वो सब भी थे, प्लस मैं आपको सबका शेड दिखाऊंगी। अभी जैकेट्स है ना, इसमें भी इनके पास में बहुत सारे शेड्स थे। तो ये एक इस टाइप का ड्रेस, ये वाला ड्रेस मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसको मैंने मतलब अपने लिए एक परचेज़ किया था। रेंज नॉर्मल था इनका, ये थे कुछ श्रग में, श्रग भी बहुत अच्छे पीसेस थे। तो ये नॉर्मल टॉप था जो 250 रुपये की रेंज में था, बट कलर बहुत ब्राइट और बहुत प्यारा कलर था ये वाला। ये फिर हुडी वाले ऑप्शंस थे, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस थे यहाँ पे। ये वाला ड्रेस देखिएगा, ये मतलब कुछ था साइड जिप वाला ड्रेस, तो ये टॉप भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। फ्रेंड्स ये वही जंपसूट्स के ही शेड्स हैं, जो डिज़ाइन मैंने पहले आपको शो कर चुकी हूँ उसी के डिफरेंट शेड्स हैं। प्राइस रेंज 250 रुपये, उसी में ही डिफरेंट ये स्ट्राइप वाला डिज़ाइन, प्लस ये मस्टर्ड कलर जो पहले मैंने आपको शो किया था, ये बटन वाले पैटर्न में, इसमें भी बहुत सारे कलर्स थे। लाइक एक ये वाइट कलर में है, एक इसमें ब्लू कलर का ऑप्शन भी है, ये भी काफ़ी प्यारा पीस लग रहा था। इसमें ही एक और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में था जो पहले मैंने शो नहीं किया आपको, वो है ये रेड कलर वाला पीस। ये भी 250 रुपये की रेंज में है, बट पीस थोड़ा डिफरेंट है, प्लस लुक वाइज भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और इसमें कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इसके बाद में ये श्रग, ये भी सेम रेंज वही 250 रुपये की रेंज में, बट कलर ऑप्शंस बहुत सारे, लाइक डार्क ब्लू, ब्लैक, रेड, मस्टर्ड, बहुत सारे कलर ऑप्शंस इसमें हैं। प्राइस रेंज वही 250 रुपये। फिर ये सेम वही ये समर्स वाले कुर्ते हैं इसमें, चूँकि हम समर्स में डालते हैं तो इसका भी वही 250 रुपये रेंज है। प्लस अब हम चलते हैं टॉप्स की तरफ। ये है न्यूज़पेपर प्रिंट में टॉप, तो ये भी बहुत ट्रेंडी है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी ये बहुत प्यारा लुक देता है। इसमें ये पेपर प्रिंट में है और इसको आप आगे से नॉट बना के भी डालेंगे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, लाइक ये वाइट कलर, इसमें ग्रीन कलर, फिर इसमें ब्लैक, पिंक, मस्टर्ड और ब्लू, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हैं। तो जिस भी टाइप का आप देखना चाहें उस टाइप के ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, डिज़ाइन होना चाहिए, उसके बाद में ऑप्शंस भी होने चाहिए। लाइक समटाइम हमें लगता है कि मैं वाइट नहीं सूट करता, तो वी वांट सम डिफरेंट कलर्स, तो वो ऑप्शंस भी यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल थे। और प्लस डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे, बहुत ट्रेंडी टॉप्स थे। एक ये वाला टॉप मस्टर्ड कलर वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आप ऐसे भी डालेंगे तो बहुत प्यारा लुक लगने वाला है। इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, लाइक ब्लू था और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्राइट कलर के ऑप्शंस थे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे पीसेस थे सारे ही, टॉप का डिज़ाइन मुझे इस शॉप पे बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप जाते हैं तो शॉप नंबर 59 ज़रूर ट्राई करें, एक बार चेक करें, पसंद आता है तो आप परचेज़ करें, और आप कलेक्शन में बाकी आपको भी पूरा शो कर देती हूँ इसका।
तो फ्रेंड्स अब चेक करते हैं जैकेट्स का कलेक्शन। लेदर जैकेट में ये है पिंक कलर, प्लस इसके बाद में ये ग्रीन, रेड, ब्लू, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं। मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा था, सो आई थॉट मैं आपको ये सारे ही एक बार शेड्स दिखा देती हूँ, कौन कौन से शेड्स इसमें अवेलेबल हैं। प्राइस रेंज 350 रुपये हैं, चाहे आप कोई भी इसमें चूज़ करते हैं, कि ये सारे इसमें कलर ऑप्शंस हैं। अब इसके बाद में डेनिम वाला कलेक्शन तो हम देख ही चुके हैं, डेनिम की जैकेट्स का, तो जो वो सेम प्राइस है वो भी 350 रुपये में और ये भी 350 रुपये में, चाहे आप जो भी इसमें से चूज़ करते हो। तो ये आप देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं। फ्रेंड्स ये है शॉप नंबर 103, यहाँ मुझे शूज़ का कलेक्शन काफ़ी अच्छा मिला। यहाँ पे ये जो बूट्स हैं इनमें भी बहुत सारी शेड्स अवेलेबल थी, प्लस लुक वाइज भी ये काफ़ी प्यारे पीस लगे मुझे। इसमें नॉर्मल शूज़ भी थे जिनका भी रेंज वही 250-350 रुपये की रेंज में, काफ़ी अच्छे पीसेस थे। एक ये पिंक कलर का शू मुझे बहुत प्यारा पीस लगा, 350 रुपये की रेंज में, लाइट वेट भी था एंड प्लस लुक वाइज भी मुझे काफ़ी प्यारा लगा। शेड्स बहुत सारी थी इसमें, लाइक वाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, बहुत सारी शेड्स अवेलेबल थी, तो ओवरऑल इस शॉप का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। तो फ्रेंड्स ये वाला स्टॉल ऐसे ही एक आंटी ने रोड साइड लगाया हुआ था, जिसपे मुझे ये वाला पीस 250 रुपये की रेंज में मिला। नग वाले जो थे ये 250 रुपये की रेंज में थे, प्लस मेटल लुक में 100-150 की रुपीज़ की रेंज में, प्लस साइड में जो कलरफुल ऑप्शंस है वो 70 रुपीज़ पीस के अकॉर्डिंग इनका रेट था। डिज़ाइंस बहुत सारे थे इनके पास में, वैरायटी बहुत थी, रेट डिपेंड कर रहा था कि आप कौन सा पीस इसमें से चूज़ करते हैं, तो इनका डिफरेंट डिफरेंट रेट्स थे इनके। प्लस वहीं पे ये इयररिंग्स भी थे जिनका 30 रुपीज़ ईच पेयर के अकॉर्डिंग इनका रेट था। कोई भी पीस आप चूज़ करेंगे 30 रुपये में आपको ये मिल रहा था। जो ऊपर वाले जो थे ये डिलीवर या उस टाइप के डिज़ाइन थे, तो इनका प्राइस रेंज 30 रुपीज़ था। कुछ हैवी लुक में थे जो नीचे में लगाए हुए थे उन्होंने, नीचे वाले उसमें रैक में, तो वो 50 रुपीज़ की रेंज में था। कलेक्शन मैं आपको पूरा ही भी एक बार शो कर देती हूँ। ये वाला डिज़ाइन मुझे दिखने में अच्छा लग रहा था, प्लस नीचे में भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे जो कि काफ़ी कुछ कलरफुल ऑप्शंस भी हैं इनके पास में, तो ये भी आप देख सकते हैं, डिज़ाइंस काफ़ी प्यारे हैं इनके पास। अब ये वाला जो था ये पीकॉक वाला डिज़ाइन, ये मुझे बहुत डिफरेंट और बहुत प्यारा पीस लगा था। ये आप देख सकते हैं ये 50 रुपये की रेंज में थे, जो भी ये नीचे में है मल्टी कलर और ये सब, ये 50 रुपीज़ की रेंज में थे। इनको ये कुछ हैंडवर्क, हैंडमेड वाला बता रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद से ही वो थ्रेड वर्क और वो सब कर करके इनको बनाया है, इस टाइप से था। बट कलेक्शन अच्छा था ओवरऑल, वही 30, ये वाला वही फिर जो मैंने बताया था शेल वाला, तो ये वाले डिज़ाइन मतलब बहुत प्यारे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ इस स्टॉल पे 200 रुपये में जीन्स मिल रही थी, इसमें बहुत सारे शेड्स थे, पैटर्न्स और बहुत सारे डिज़ाइंस भी थे। डिज़ाइंस मैं आपको सारे शो कर देती हूँ, बट 200 रुपये में जीन्स तो आपको इस मार्केट में नॉर्मली कहीं भी मिल ही जाएगी, तो ये सब कोई भी आप चूज़ करेंगे सारे 200 रुपीज़ में था। फिर सब सेम शॉप पे ही लाइक ऐसे करके आपको 100 रुपीज़ में इन्होंने ये कोट लगाए हुए थे, तो रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोट का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। 100 रुपीज़ में आपको मतलब कोट मिल रहा है और वो भी इस स्टाइल, मतलब इस टाइप का, तो काफ़ी अच्छा था। फैब्रिक वाइज तो ये ठीक था, डिज़ाइन भी ये इस टाइप के थे, रेंज सबका सेम था, कोई भी आप इसमें चूज़ करेंगे सबका 100 रुपीज़ है। शेड्स के ऑप्शंस इसमें थे लाइक ब्राउन और कुछ ग्रे कलर में, तो इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये वाला देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पीस मुझे ठीक लगा था, 100 रुपीज़ में ये अच्छा पीस है। तो फ्रेंड्स ये मुझे जेंट्स की स्वेटशर्ट्स काफ़ी अच्छी मिली, 250 रुपये की रेंज में, इनको ये लोग ब्रांडेड बता रहे थे, इन पे बकायदा ब्रांड का नेम लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। फैब्रिक वाइज भी ये बहुत प्यारे पीसेस थे, लुक वाइज, कलर, मीन्स एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट।
बट 250 रुपये में बहुत प्यारे लगे थे मुझे ये। तो आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे और बहुत सारी डिज़ाइन पैटर्न्स भी इनमें काफ़ी सारे थे। तो ये सारे ही सेम रेंज में थे, किसी भी आप डिज़ाइन में लेते हैं या किसी भी आप साइज़ में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये अच्छे पीसेस 250 रुपये में मिल रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ओवरकोट्स थे जिनमें 250 रुपये की रेंज में ये काफ़ी प्यारे पीसेस थे। ऐसे ही रोड साइड स्टॉल पे ही था। अभी इस टाइम ना बहुत सारी जगह जगह पे इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं मार्केट में, कहीं 250 रुपये में ओवरकोट्स होते हैं तो कहीं पे जैकेट्स होती हैं। तो यहाँ मुझे ये ओवरकोट्स वाला जो स्टॉल था ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये PNB बैंक के पास में था मार्केट के बीच में, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला पीस मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये ब्लू कलर वाला पीस, तो जस्ट 250 रुपये में मुझे ये मतलब बहुत अच्छा पीस लगा था। ये देखिएगा आप इसका लुक कितना अच्छा है और है सिर्फ ये 250 रुपये में। इसमें बहुत सारे शेड्स थे, ये आप देख सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक, चेक में भी था इसमें। तो मैं ये सारे ही एक बार आपको शो कर देती हूँ। और इस टाइप से स्टॉल्स पे भी कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी कलेक्शन में इसके पार्ट टू में शो करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है। तो इसका पार्ट टू मैं 2 दिन बाद अपलोड करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो टिल देन प्लीज़ प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय।